आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स, आपके शहर का अपना चैनल। मैं जगाधरी से गाड़ी लेकर निकला था रादौर के लिए, और जब इन्होंने टोल पे रोक लिया, मैंने कहा जी सरकार ने बंद कर दिया 1 नवंबर से, उसके बावजूद भी इन्हें धक्के से टोल काटा जी हमारा, जबकि इस टोल का कोई फायदा नहीं था अब तक जी, सारा रोड टूटा पड़ा है, फिर भी धक्के से काटी जा रहे हैं टोल, जो कुछ कहें तो आगे लड़ने पड़ते हैं जी। ये जी हम सुबह 8:30 बजे आए थे जी, आज जी हाँ 1 नवंबर को जी, आज से बंद होने की संभावना है जी, आज भी पर्ची काटी है जी हमारी। कितना फायदा इससे टोल से, क्या फायदा रहा? टोल से रोड टूट रही है जी, कोई फायदा नहीं है इससे। सुबह 8:30 बजे जैसे मैं ड्यूटी के लिए निकला, यहाँ पे टोल प्लाजा पे लोग ये पर्चियाँ काट रहे थे लोगों की, हमने इनको बोला भी ये पर्चियाँ, कह रहे नहीं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम पर्चियाँ काटे हैं, इन लोगों को 300-400 रुपए में लूट मचा रखी थी उन्होंने। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको सारे को उखाड़ के फेंक दिया जाए, कि रात को कोई ड्राइवर भाइयों को गुमराह ना कर सके, जो कि ड्राइवर बाहर से आते हैं उनको पता नहीं है टोल प्लाजा उठ गया है नहीं उठा। तो इसके लिए या तो बैनर लगाए जाएँ या कहीं इंडिकेशन लाया जाए कि यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं है। अपना टोल लगा जी, कब करीब 18-20 साल से लगा जी टोल ये पे, और इस टोल का कोई फायदा नहीं है जी, रोड सारे टूटे पड़े जी, और अपना यहाँ 24 घंटे जाम, और आने जाने वालों को परेशानी रहती थी जी यहाँ पर, और सरकार ने अब इसको ऑर्डर कर दिया था जी 28 तारीख को, और अब 1 तारीख को उठना था जी, आज भी इन्होंने 1 नवंबर हो चुकी है जी, 11 बजे तक टोल कट गया जबरदस्ती लोग जी। तो आप रिक्वेस्ट है जी हमारी, इसको यहाँ से बिल्कुल उखाड़ दीजिए और प्लेन कर दिया जाए।